साथ डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी जुड़ चुके हैं। आप स्वास्थ्य मंत्रालय में अपनी अहम भूमिका निभा चुके हैं, डीजीएचएस रह चुके हैं। डॉक्टर प्रसाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन में। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने एक बार फिर अपील की है, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि देखिए साहब, जो भी कोरोना को हराने की टीम में लोग हैं उनके खिलाफ अगर कोई भी हिंसा करेगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। संदेश बेहद साफ है कि पूरा देश एकजुट है कोरोना के खिलाफ। बिल्कुल आपने सही कहा। अभी हम जो प्राइम मिनिस्टर का संदेश है, 22 को भी हमने एक रिहर्सल किया और देखा कि पूरा लॉकडाउन हो गया है, और इसी कारण जो हमारे देश में इतना दिनों के बाद भी केस का जो संख्या बढ़ा नहीं, मैंने कम्युनिटी लेवल पर इसका ट्रांसमिशन नहीं हो पाया है, नहीं तो केस का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। तो आपने देखा होगा कि इन टाइमों में इतना होने के बाद भी अभी कुछ दिन केस इसलिए ज़्यादा आएंगे कि अब इसका इनक्यूबेशन पीरियड ख़त्म हो गया है। इनक्यूबेशन पीरियड ख़त्म होने मतलब 6 से 7 दिन 8 दिन हो गया है। तो इस पीरियड में 5 से लेकर के 9-10 दिन तक इनक्यूबेशन पीरियड में ज़्यादा लोगों को कोरोना होता है। इसी कारण जो जंप किया है 4 गुना इन 4 दिनों में, इसका ये रीज़न है। और भी 1-2 दिन और जंप करेंगे, और हम समझते हैं कि अगर इसी तरह से लॉकडाउन रहा जाए तो हम समझते हैं कि विद इन 4-5 डेज कोरोना हमारे यहाँ स्थिर हो जाएगा। डॉक्टर प्रसाद, मैं आपको पिछले कई सालों से देखता आ रहा हूँ, स्वास्थ्य मंत्रालय की नीतियों में आपकी अहम भूमिका रही है, आप लगातार सक्रिय रहे हैं। जिस तरीके की रणनीति अभी बनी हुई है केंद्र के स्तर पर और राज्यों के स्तर पर, आपको लगता है हम सही दिशा में जा रहे हैं, बहुत जल्द हम अपने लक्ष्य को हासिल करने जा रहे हैं? देखिए, लॉकडाउन जो लॉकडाउन किया गया है तो बहुत ही अहम भूमिका है, इसका सबसे बड़ा अहम भूमिका है। दूसरा अहम भूमिका हमें ये करना चाहिए अभी कि हमें किट्स मंगा करके जो लोग अभी जैसे पकड़े गए 400-500-4000 लोग, उन लोगों को एक स्क्रीनिंग टेस्ट कर देना चाहिए था कि लोग पॉजिटिव हैं कि नहीं, और जो पॉजिटिव है उनको आइसोलेट कर दिया, जो नेगेटिव है उसको जान दिया जाए। और हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, सर्विलेंस करना पड़ेगा कि किन किन लोगों से मिले हैं। अभी हमें निगरानी रखनी पड़ेगी, और हर जनता का एक कर्तव्य होता है कि वो बताएं कि कोई बाहर से आए हैं या कोई झुंड में गए हैं या कोई मिले हैं, तो ऐसे लोगों को नोटिफाई करना चाहिए। ये हर नागरिक का कर्तव्य है कि अपने आप को, अगर ऐसे भीड़ में आप जा कर के लोगों से मिले हैं तो अपने आप को आइडेंटिफाई कराइए या अपने आप को आइसोलेट रखिए और वॉच करिए। किसी तरह का सिम्टम्स होता हो, कफ होता हो, ब्रेथलेसनेस होता हो, फीवर, हाई फीवर होता हो, तो इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करें। तो ये स्टेप गवर्नमेंट का जो दूसरा स्टेप है उठाना चाहिए इमीडिएटली कि स्क्रीनिंग टेस्ट करने की ज़रूरत आ गई है, हमें किट्स मंगा करके इन लोगों का स्क्रीनिंग टेस्ट करना चाहिए ताकि हम रोक सकें। और आइसोलेशन घर में अपने लोगों को करना पड़ेगा, और जिस तरह से आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा हम लोग सबों को और देश को एकजुट कर दिया उन्होंने, और एकजुट होने के लिए फिर उन्होंने संडे को कहा है कि पूरी दुनिया इससे सीख रही है, और हमारे देश के बाद काफ़ी लोगों ने लॉकडाउन करने का शुरू किया। बिल्कुल, तो एक संदेश बेहद साफ जाता है। आप देखेंगे कि जापान में भी जी डॉक्टर प्रसाद, बिल्कुल बिल्कुल साफ जाता है। इसकी बहुत बड़ी अहम भूमिका है, लॉकडाउन की बहुत बड़ी अहम भूमिका है, जिसके कारण अभी तक हम लोग स्टेज 3 में नहीं जा पाए, कम्युनिटी लेवल पर नहीं गया है, अभी भी हम स्टेज 2 में ही हैं। स्टेज 3 को हमें सतर्क रहना है, इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि आप इकट्ठा होकर के बात ना करें, लोगों को भीड़ नहीं जाए, चाहे वो कहीं भी जाए, किसी भी तरह से मिलें, किसी भी पर्पज से मिले लेकिन ना मिले। बिल्कुल, प्रधानमंत्री लगातार सक्रिय हैं डॉक्टर प्रसाद। जब देश के मुखिया बार बार हर मौके पर जब जरूरत पड़ती है तब सामने आते हैं, अपील करते हैं, चाहे वो जनता कर्फ्यू की बात हो, चाहे वो मन की बात हो, चाहे रविवार की बात हो या फिर लॉकडाउन के ऐलान की बात हो, संदेश बेहद साफ जा रहा है कि देश के मुखिया गंभीर हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि जो जमीन पर भी तमाम लोग काम कर रहे हैं उनको भी उतनी गंभीरता दिखानी होगी और नागरिकों को भी। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने उनका उपरेज करने लायक हैं। दूसरा बात है कि उन्होंने एक जो गरीबों को तकलीफ का उन्होंने उसके लिए माफ़ी मांगा, ये बहुत बड़ी महानता उनमें है कि उन्होंने कहा कि भाई जिसको तकलीफ हुआ है हम इस कारण से सडन लॉकडाउन से, उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। तो एक
एक महान व्यक्ति ही ऐसा अपने आप को अपनी गलती को महसूस कर सकता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जगदीश प्रसाद जुड़ने के लिए। तो कई अहम बातें आप भी यहाँ पर कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान लगातार रखना होगा, फेज 3 में हम नहीं जा रहे हैं, यही एक बड़ी वजह है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपील की है उसका लगातार पालन करते रहिए, जो तमाम निर्देश दिए जा रहे हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, WHO की तरफ से, उसका आप पालन करते रहिए, तभी आप एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अपनी भूमिका निभाएंगे। और यहाँ पर रविवार को रात को 9:09 क्या कुछ करना है, इसका जिक्र आपसे कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने कहा है कि आप अपने घर में दिया जलाएं, मोमबत्ती जलाएं, टॉर्च जलाएं, संदेश दें कि पूरा 130 करोड़ आबादी वाला ये मुल्क एकजुट है कोरोना को हराने के लिए, एक दूसरे का मनोबल बढ़ाएं, एकजुटता का संदेश दें। तो हिंदुस्तान में क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं कोरोना के खिलाफ, ये हमने आपको बताया।